दोस्तों, दिवाली का त्योहार बेहद खुशियों से भरा होता है और इस दिन कई तरह की परंपराएं आपको देखने को मिलेंगी। कहीं दिवाली की रात काजल लगाया जाता है तो कहीं सूप पीटने की प्रथा आपको देखने को मिलेगी। इन सब से हटकर आपको बता दें कि दिवाली की रात में कहीं कहीं जुआ भी खेला जाता है। जी हाँ, आपको बता दें कि बहुत से लोग इसे शुभ मानते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस रात एक बार भगवान शिव और माता पार्वती ने चौसर खेला था, जिसमें भगवान शिव पराजित हो गए थे। तभी से ये प्रथा दिवाली के साथ जुड़ गई। हालांकि इसके बारे में कोई ठोस तथ्य किसी भी ग्रंथ में देखने को नहीं मिलता है। ऐसा भी माना जाता है कि दिवाली की रात जो भी जुए में जीत जाता है उसका भाग्य हर साल चमकता रहता है। लेकिन दूसरी ओर कुछ लोग इसे गलत भी मानते हैं। कहते हैं कि जुआ खेलने से घर की सुख शांति के अलावा लक्ष्मी भी चली जाती है। तो आइए दोस्तों, आपको बताते हैं इसके पीछे जुड़ी एक कहानी के बारे में, जिससे आपको पता चलेगा कि जुआ खेलना शुभ रहेगा या अशुभ। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम ने भी जुआ खेला था और वो उसमें हार गए थे। कथा के अनुसार कृष्ण और रुक्मणी के पुत्र का विवाह रुक्मी की पुत्री से हुआ था। रुक्मणी कृष्ण से बैर रखता था क्योंकि रुक्मणी हरण के समय श्री कृष्ण ने युद्ध में हराया था। इसका बदला लेने के लिए रुक्मणी ने बलराम को जुआ खेलने के लिए आमंत्रित किया। जुआ खेलते समय रुक्मी ने छल से बलराम को हरा दिया था और फिर भरी सभा में अपमान करने लगा। इस बात पर बलराम को गुस्सा आया और रुक्मणी का वध कर दिया। इस वध से विवाह मंडप में हाहाकार मच गया, वैवाहिक कार्यक्रम में अमंगल हो गया। इससे पता चलता है कि जुआ हमेशा मातम लेकर आता है। तो वहीं एक अन्य कथा के मुताबिक महाभारत का युद्ध ही जुए की वजह से होता है। दुर्योधन और शकुनी ने साथ मिलकर छल कपट से पांडवों को जुए में हरा दिया और पूरा इंद्रप्रस्थ समेत अपने भाइयों को युधिष्ठिर ने दाव पर लगा दिया था, उसमें भी वो हार गए। इसके बाद अपनी पत्नी द्रौपदी को भी दाव पर लगाकर हार गए, जिसके बाद पांडवों को 13 साल के लिए वनवास पर जाना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि अगर युधिष्ठिर में जुआ खेलने की आदत ना होती तो उन्हें भगवान का दर्जा मिल जाता, क्योंकि उनमें बाकी सारे गुण मौजूद थे, लेकिन जुए की लत के कारण उनके सारे गुण दब गए। दोस्तों, जो लोग भी इस दिन जुआ खेलने को शुभ मानते हैं तो उन्हें जुआ खेलते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यह केवल एक खेल है जो कि एक रात के लिए खेला जाता है और जो केवल एक शगुन के तौर पर खेला जाता है, इसलिए इसका अपने ऊपर ज्यादा प्रभाव ना पड़ने दें। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।